नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डी आर एग्रीकल्चर सैनी में। किसान मित्रों, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल YouTube चैनल में। देखिए किसान मित्रों, आज का हमारा विषय है कि बैंगन की खेती कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और बैंगन लगाते समय को हमें कौन सी विधि अपनानी चाहिए जिससे कि हमारी फसल बढ़िया हो, उत्पादन क्षमता बढ़े और एक एक प्लांट जो है बैंगन का वो जीवित रहे। मैं इसी के बारे में आपको आज स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा और पूरा समझाऊंगा बढ़िया तरीके से कि आप भी बैंगन की खेती किस प्रकार कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कौन सा समय बेस्ट है और कौन सी विधि के द्वारा अगर आप बैंगन लगाएंगे तो आपका एक भी पौधा मरेगा नहीं, इस बात की मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसान जी, देखिए जो हमारे चैनल पर किसान साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। किसान मित्र, देखिए बैंगन खेती मैं आपको बता दूं, बैंगन खेती वैसे तो साल के 12 महीने होती है लेकिन सबसे बड़े बैंगन लगाने का टाइम है मैं आपको बता दूं मई, जून और जुलाई। अगर देखें आप मई, जून और जुलाई के महीने, इन तीन महीने में से किसी महीने में बैंगन का प्लांटेशन करते हैं, बैंगन की फसल करते हैं तो आपको ज़बरदस्त मंडी रेट जो है देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो है आपका बैंगन चलेगा बरसात में चलेगा और आप जानते हैं पूरे साल के अंदर बैंगन की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, वो जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर तक रहती है। इसके बाद ठंड आ जाती है और ठंड आने के बाद क्या होता है, इसकी बिक्री कम हो जाती है क्योंकि खेतों में जो माल बढ़ जाता है उस वजह से भी इसकी बिक्री कम हो जाती है, थोड़ी सी मैं कहता हूँ खाद भी उस समय कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा इसकी बिक्री हो जाती है वो जून, जुलाई, अगस्त के महीने में रहती है क्योंकि इस समय बारिश होती है और इस समय बैंगन की डिमांड जो सबसे ज़्यादा रहती है। चलिए मैं आपको बैंगन लगाने की वो विधि बताता हूँ जिसे अपनाकर आप एक एक पौधे को जीवित कर सकते हैं और आपको बहुत ही उन्नत जो है बैंगन की फसल देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं। तो किसान में देखिए, बैंगन लगाने से पहले, प्लांटेशन करने से पहले आपको करना क्या है, और मैं देखिए एक चीज़ आपको बता दूं वैरायटी के बारे में। अगर आपकी नर्सरी तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नर्सरी तैयार करने की सोच रहे हैं तो देखिए वैरायटी मैं आपको बता दूं, आप टोकेटा कंपनी का बैंगन ले सकते हैं, गोल्डन कंपनी का बैंगन ले सकते हैं और सबसे बड़े मैं आपको बताता हूँ वो क्लोज कंपनी का F1 बैंगन है। सबसे बढ़िया जो है वैरायटी है, इसको मैं एक वीडियो बना चुका हूँ वो आप देख सकते हैं। ये अभी करंट टाइम में 3 या 4 साल से मार्केट में आई है और ये वैरायटी है सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा ताबड़तोड़ उत्पादन में देखने को मिलता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो विधि, जिस विधि को अपनाकर आप बैंगन की खेती अपनी बहुत ही उन्नत कर सकते हैं। किसान में देखिए करना क्या, सबसे पहले आपको ज़मीन तैयार कर लेनी है। ज़मीन तैयार करने के बाद आप जितनी दूरी बैंगन लगाना चाहते हैं उस दूरी को नाप लीजिए। अगर आप 1 फीट पर लगाना चाहते हैं तो 1 फीट नाप लीजिए और इससे ज़्यादा पे अगर लगाना चाहते हैं तो उसको नाप लीजिए। नापने के बाद आपको करना क्या है, जहाँ आपका बैंगन का पौधा आ रहा है वहाँ पर आपको करना क्या है, आपको करना है खुरपा की सहायता से आपको उसमें गड्ढा कर दीजिए। गड्ढा करने के बाद उसमें क्या, थोड़ा DAP साथ में गोबर का खाद और अगर आपके बैंगन में पसेड़ होने की समस्या है तो ट्राइकोडर्मा। अगर आपके बैंगन में पसेड़ होने की समस्या है तो ट्राइकोडर्मा डालें और समस्या नहीं आती है तो ट्राइकोडर्मा ना डालें। तो मैंने आपको बताया आप गच्चा जब बनाएं उसका तो उसमें थोड़ी गोबर की खाद लें और दूसरे नंबर पर आपको DAP लेनी है और तीसरे नंबर पर आपको क्लोरीफायरी फोस लेना है। क्लोरीफायरी इसलिए लेना है क्योंकि आप जब बैंगन का आप प्लांटेशन करेंगे तो आप गोबर की खाद भी डाल लें, DAP भी डाल लें। तो गोबर की खाद में सूक्ष्म कीट होते हैं जो क्या कहते हैं प्लांट्स की जड़ को ख़राब कर सकते हैं, तो अगर आप उसके अंदर क्लोर डाल देंगे तो आपकी एक भी प्लांट्स की जड़ ख़राब नहीं होगी, उसके अंदर सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाएंगे और जो ज़मीन के अंदर भी जो हानिकारक है सूक्ष्म जीव हैं, जो कीट हैं वो मर जाएंगे, आपके प्लांट्स को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो करना क्या, देखिए आपको गड्ढा खोद, किसान में तो देखिए अगर आप इस विधि से बैंगन लगाते हैं तो आपकी जो बैंगन की फसल है बहुत ही बढ़िया होगी और बहुत ही उन्नत होगी, क्योंकि मैं भी इसी विधि को अपनाता हूँ। देखिए होता क्या है, आपने DAP डाला, आपने क्लोर डाली, आपने गोबर का खाद डाला, उसके बाद क्या करा, इसको प्रॉपर तरीके से मिलाने के बाद आपने सिंचाई कर दी तो इसका जो भी असर था, इसका जो भी गैस था वो ज़मीन के अंदर चला गया। जैसे आपने प्लांटेशन करा तो प्लांटेशन करने के बाद क्या हुआ, 3 से 4 दिन बाद उसका जो असर होता है तुरंत आपके प्लांट्स के अंदर आ जाता है। तो एक तरीके से औरों के मुकाबले क्या होता है, इस बीच से आप बैंगन लगाएंगे तो आपकी फसल कई गुना अच्छी होगी और कई गुना बेहतर आपको रेट देखने को मिलेगा क्योंकि सारा जो खाद का असर होता है तुरंत प्लांट्स के अंदर आ जाता है। तो आपको मैं इस यही सजेस्ट करूँगा, आप जब भी बैंगन लगाएं इसी विधि से बैंगन लगाएं और आपके खेत में अगर पलेट होने की समस्या है तो आप इसके साथ में ट्राइकोडर्मा मिला लें, आपको बहुत ही बढ़िया रेट जो है देखने को मिलेगा। तो किसान दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।